Welcome back, students. So today we are going to see another lesson from Beehive. The name of the lesson is The Sound of Music, Part 1. It's a story of a girl who lost a sense of hearing when she was near about 11 years. And what are the difficulties she have faced in her life? And in spite of that difficulties, how she overcome those difficulties and she became a famous musician. We are going to see the journey of this Evelyn Glennie is a very famous musician. She's a girl, very old now, a musician, and she had learned different types of instruments. She played a different types of instrument in spite of not hearing. She cannot hear, but still, who helped her? How do she overcome all her difficulties, overcome all her disability? So yes, hum aaj The Sound of Music Part 1 Deborah Cowley ka lege. Aur The Sound of Music Part 1 mein hum dekh rahe hai ki isme ek choti si ladki jo 11 saal ki hai, uska naam hai Evelyn. Evelyn jo hai ye 10 साल तक ठीक ठाक थी, 11 साल तक, जब तक सारे दुनिया को पता नहीं चला कि वो पूरी तरह से बहरी है, उसको सुनाई नहीं देता है. और जब उसको वो धीरे धीरे उसकी सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और वो पूरी तरह से सुन नहीं पाती है, उसके बाद में उसको स्कूल में नहीं जाना मिलता है, वो स्कूल नहीं जा पाती, उसको स्कूल अच्छे से नहीं मिलता है. फिर बाद में उस लड़की को म्यूज़िक का बड़ा शौक है, वो पियानो क्लासेस जाती थी, वो म्यूज़िक सीखती थी, मगर अचानक से उसका सुनने की शक्ति कम हो गई, वो सुन नहीं पा रही थी. तो क्या हो गया फिर उसके लाइफ में, क्या वो आगे फ्यूचर में कैसे वो म्यूज़िशियन बनी, क्या था ऐसा कि कौन ऐसा आया उनके लाइफ में जिन्होंने उनको फुल सपोर्ट किया, वो हम यहाँ इस लेसन में देखेंगे. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. इसे कहते हैं भगवान ने भले ही उसके सुनने की शक्ति ले ली हो, मगर उसके लिए कुछ और भगवान ने एक अच्छा गिफ्ट उसे दे दिया था. What we hear, she feels far more deeply than any one of us. जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है ज़्यादा गहराई से. That is why she expresses music so beautifully. इसलिए वो म्यूज़िक जो भी धुन बन जाती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करती तो वो बड़ी खूबसूरती से प्ले करती, क्योंकि वो कान से नहीं सुनती, वो दिल से और दिमाग से उसे महसूस करती है. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. आज हम ऐसे इंसान की स्टोरी पढ़ने वाले हैं कि जिसका जो फिजिकली डिसेबल थी, कान से सुन नहीं रही थी, उसके बावजूद वो इतने सक्सेसफुल लाइफ में कैसे बनी. लेट्स स्टार्ट. रश आर क्राउड्स जॉस्टल्स फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. तो स्टेशन है अंडरग्राउंड, जैसे मेट्रो वगैरह दिल्ली में होता है, मेट्रो कलकत्ता में होता है, मेट्रो इवन अब गुजरात में भी मेट्रो है, तो अंडरग्राउंड अंदर से जाती है, हमारे ऊपर से जा रही है नागपुर की, मगर दिल्ली कलकत्ता में अंडरग्राउंड होते हैं, ज़मीन के अंदर से नीचे जाना पड़ता है प्लेटफॉर्म. तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी थी, हर कोई एक दूसरे को, जॉस्टल का मतलब होता है पुश होना. हमने दूसरी बार जॉस्टल हमने लॉस्ट चाइल्ड में भी देखा था और अभी भी देख रहे थे. जॉस्टल का मतलब है पुश होना, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, भीड़ है, हर कोई एक दूसरे को पुश करके ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था प्लेटफॉर्म पे. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 इयर्स वाज नर्वस गेट एक्साइटेड एज शी फेल द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. तो एक यंग गर्ल,
टीनेज गर्ल, 17 साल की थी, मगर 17 साल की उम्र से भी बहुत छोटी लग रही थी। और ये लड़की बहुत खुश लग रही थी क्योंकि उसको ट्रेन के आने की वाइब्रेशन महसूस हो रहे थे। इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेज फ्रेश फॉर अ स्कॉटिश फार्म। अब क्या हुआ है, उसका पहला दिन था कि वो कहाँ पे परफॉर्म करने जा रही थी, और उसके लिए वो एक फ्राइटनिंग थोड़ा सा। हम जब पहली बार एग्ज़ाम को जाते हैं या परफॉर्म करने जाते हैं या स्टेज पे जाते हैं कि लोगों के सामने जाते हैं, तो एक अच्छा भी लगता है और एक डर भी होता है, पेट में कुछ गुदगुदी सी होने लगती है। ऐसा इस लड़की को भी हो रहा था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। ये जो म्यूजिशियन खड़ी थी वो अपना परफॉर्मेंस देने जा रही थी, एक्चुअली ये म्यूजिशियन पूरी तरह से बहरी है, उसे बिल्कुल सुनाई देता नहीं है। अब हम देखते हैं इनकी स्टोरी। एवेलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना, उसका सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होते जा रही थी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. जब वो 8 साल की थी तब उनकी मम्मी के ध्यान में आया था कि वो पियानो के बजाने के लिए रुकी थी और उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ दी। They called her name and she didn't move. उसको अब आवाज़ दी कि एवेलिन आओ एवेलिन, जोर जोर से आवाज़ देने के बावजूद भी वो लड़की ने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया। तभी उनकी मम्मी के ध्यान में आया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. उनकी मम्मी का नाम इसाबेल है। वो कहती कि उस वक्त जब वो 8 साल की थी, जब मैंने उसे आवाज़ दी तो मुझे इतना आवाज़ देने के बाद उसने बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं किया। तब मुझे उस वक्त पहला एक क्या बोलते एक अंदेशा आ गया था। अंदेशा मीन्स आई गॉट वन साइन कि दैट वॉज कि दिस गर्ल इज नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली। उस वक्त उनको एहसास हो गया कि यह क्ल्यू मिल गया कि इसे कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ साल तक वो अपने आप को छिपा के रखती थी, लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वो सच में उसे सुनाई नहीं देता था, लोग उसे अनदेखा करते थे, इतना किसी के ध्यान में कुछ दिन तक नहीं आया था। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her. क्या हुआ, फिर कुछ सालों के बाद में अचानक से उसके मार्क्स बहुत ही पुअर, मार्क्स बहुत ही ख़राब आ गए और उनके प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उसे कहा कि इसको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ या किसी अच्छे स्पेशल स्कूल में भेज दो जहाँ पर इसके जैसे बच्चे पढ़ सकेंगे। जब उनको ध्यान में आया कि ये बिल्कुल ही सुन नहीं पा रही है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अनदेखा करने के वजह से क्या हुआ, उनके धीरे धीरे जब पहली बार समझ में आया था उसी वक्त अगर ट्रीटमेंट होती तो बच्ची सुन सकती थी, मगर अनदेखा कर दिया। 8 साल के बाद 8, 9, 10, 11 3-4 साल तक वो बच्ची ऐसी रही। धीरे धीरे क्या हुआ, जब सुनाई नहीं देता तो ज़्यादा स्ट्रेन करते, ज़्यादा स्ट्रेन करके सुनने की कोशिश करने के वजह से अंदर के जो नर्व्स होते ब्रेन के वो डैमेज हो गए, और डैमेज होने के वजह से जो थोड़ा बहुत सुन पा रही थी वो भी धीरे धीरे कम हो गया, और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो कम्प्लीटली ही डेफ हो गई, उसे बिल्कुल ही सुनाई देना बंद हो गया। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. फिर पेरेंट्स को प्रिंसिपल ने कहा कि उसके कान में वो सुनने की मशीन लगा दीजिए और जहाँ पर बहरे लोगों के स्कूल होता है ऐसे स्कूल में उसको दाखिला दे दीजिए, उसको वहाँ पर एडमिशन करवा दीजिए। Everything suddenly looked black, says Evelyn. Evelyn कहती है अचानक से मेरी ज़िंदगी में पूरा अंधेरा छा गया जब ऐसा मोड़ आया कि मुझे अब नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, एक एबनॉर्मल बच्चे की तरह मुझे अब हर जगह पर ट्रीट किया जाएगा। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं एक नॉर्मल लाइफ ही जीऊँगी,
मेरा जो हॉबी है, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वही करूँगी। मुझे म्यूज़िक पसंद है, मैं म्यूज़िक ही करूँगी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू। उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन प्ले कर रही है और उसने मेरे कि मुझे भी ये इंस्ट्रूमेंट है कि मुझे भी ये प्ले करना है और मैं ये प्ले करूँगी और सीखूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेजिंग हर बट परसुएड, बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि नहीं हम उसे पढ़ा नहीं सकते, सॉरी सॉरी, मगर परसुएनिस्ट रॉब फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। फिर जो इंसान एक टाइम में ड्रम प्ले करता है या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उसको परस्यूनिस्ट कहते हैं, परस्यूनिस्ट। तो वो जो थे उनका नाम था रॉन फ्रॉब्स। रॉन फ्रॉब्स ने देखा कि इस लड़की में कुछ अलग बात है, ये लड़की कुछ अलग कर सकती है, और इसलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसे खुद हर इंस्ट्रूमेंट सिखाऊंगा। He begin by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he could say. Try to sense it some other way, says Evelyn. अब एवेलिन बताती है कि जब रॉन फ्रॉब्स ने उन्हें देखा कि ये लड़की में कुछ बात है, ये कर सकती है, तो उन्होंने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पहले एक बात बताई, तुम सुनाई नहीं दे रहा है तो तुम अपने कान पे जोर मत दो, सुनाई सुनने की कोशिश मत करो। जब तुम्हें पता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है तो महसूस करो, फील करो, उसे हाथ लगा के फील करो, दिल से फील करो, टच करके फील करो और सुनने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फिर रॉन फ्रॉब्स ने क्या किया, दो ड्रम्स लगाए, एक पेट के ऊपर लगाए और एक नीचे उनके कमर के ऊपर, वेस्ट के ऊपर लगा दिया, नीचे दोनों ऊपर और नीचे इसके थाइस के ऊपर लगा दिया, एक वेस्ट के ऊपर और एक वेस्ट के नीचे, और वो ड्रम जोर जोर से बजाने लगे। और ये कर से कैसे करते थे कि ये उनको पैरों में बिल्कुल जूते नहीं पहनना, एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो खड़ी होगी, उसके ऊपर दो ड्रम बांधे होंगे और दो ड्रम्स बजाए जाएगा, पहला नीचे का ड्रम बजाएंगे फिर वो फील करेंगे। जब हम किसी चीज़ के ऊपर हाथ रखते हैं या कहीं पर म्यूज़िक चल रहा है तो उसका वाइब्रेशन हमें समझ में आता है, ड्रम का भी वाइब्रेशन, उसको फिर वो वाइब्रेशन वो महसूस करने लग गई। थाई वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे जो ड्रम लगाया था उसके वाइब्रेशन उसे समझ में आ गए, ड्रम के ऊपर में जो सॉरी वेस्ट के ऊपर में जो ड्रम लगाया उसके वो म्यूज़िक और उसके वाइब्रेशन उसे समझ में आने लग गए, और इस तरह से वो नोट्स पकड़ना शुरू कर दिया। सीज एवेलिन सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। Frobs repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. धीरे धीरे उनको वो म्यूजिक, पहले तो उनको पता था थोड़ा, तो आप उसको उनको वो एहसास होने लगा, वो समझने लग गई सारे नोट्स और सारे वाइब्रेशंस जो एक म्यूजिशियन को वो पता होने चाहिए, वो धीरे धीरे वो पढ़ने लगे, उसमें उनको वो समझ में आने लग गया। और जब उनको वो समझ में आ गया उनके नोट्स और वो वाइब्रेशन, धीरे धीरे फिर वो म्यूज़िक के सारे नोट्स पढ़ने शुरू करने लगे, अपने आप ही लर्न करने शुरू हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं होता, उसके लिए रोज़ रेगुलर कितने देर तक प्रैक्टिस करना, एहसास आँखें बंद करके मेडिटेशन करके उसको सुनना, महसूस करना, और एक मोड आ जाता है जब आप थक जाते हैं और आपको ऐसा लगता है नहीं अब बस हो गया, मुझे नहीं करना, मैं परेशान हो गई, थक गई, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने फर्मली, कुछ भी हो जाए, डेडिकेटली, स्ट्रांगली वो अपने डिसीजन पे स्ट्रांग थी, फर्म थी, और उन्होंने हार्ड वर्क करके वो म्यूज़िक वो सीख लिया कि कैसा होता है ड्रम, कैसा होता है म्यूज़िक, कैसे साउंड्स आते, वो उन्होंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया।
She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. धीरे धीरे बड़ी होती गई. 16 साल की उम्र में उनको ऑर्केस्ट्रा में गाने का मौका मिल गया. यूनाइटेड किंगडम में यूथ ऑर्केस्ट्रा था, वहाँ पे उनको बुलाया गया था. और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए, अब म्यूज़िक ही मेरी ज़िंदगी, मैं जो भी कुछ करूँगी सिर्फ म्यूज़िक में ही करूँगी और म्यूज़िक के लिए ही करूँगी. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. फिर वहाँ एक ऑडिशन चल रहा था रॉयल अकेडमी म्यूज़िक, बहुत बड़ा वर्ल्ड का म्यूज़िक शोरूम है, क्या कहते हैं वो बैंड है, म्यूज़िक बैंड है. और वहाँ उन्होंने ऑडिशन दिया और सबसे अच्छे मार्क्स और सबसे बढ़िया म्यूज़िक उन्होंने प्ले किया था. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. फिर जब वो ग्रुप में, ऑर्केस्ट्रा का मतलब है ग्रुप में परफॉर्म करना, फिर धीरे धीरे वो अकेली एक बंदी बहुत सारे म्यूज़िक, बहुत सारे ड्रम्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अकेली बजाना शुरू कर दिया उन्होंने. एट द एंड ऑफ हर 3 years course, she had captured most of the top awards. फिर उन्होंने वो कोर्स किया हर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने का, और फिर अकेली वो सारे इंस्ट्रूमेंट बजाती थी और फिर सबसे A1 और सबसे हाइस्ट स्कोर और सबसे इंटेलिजेंट म्यूजिशियन वो बन गई. एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. इफ़ यू, वो कहते कि या नहीं आप बहुत बड़े हीरो हो, आप ऐसा कुछ नहीं है, हीरो कोई भी बन सकता है ऐसा उनका मानना है, क्योंकि अगर इफ़ यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क यू आर गोइंग टू नेचुरली बी अ हीरो. सो टू बिकम अ हीरो इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है. हीरो बनना है तो हार्ड वर्क करना पड़े, तो मैंने कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किया नहीं जो दुनिया नहीं कर सकती, कोई भी कर सकता है, मगर आप में डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क करने का जज्बा होने चाहिए. यू शुड हैव दैट विल टू डू इट. If you work hard and know where you're going, you'll get there. अगर आप hard work करते हो, आपको पता है आपको क्या करना है, तो आप ज़रूर उसमें successful हो जाते हैं. And she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedules. थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकती है, इतना उन्होंने अपने आप को परफेक्ट कर दिया. और अब सब जगह पर हेक्टिक शेड्यूल उनका स्केड्यूल हो गया है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो हमेशा आप घूमते रहती है एक जगह पे, वो कभी रहती नहीं है, बार बार उसको पूरे वर्ल्ड में घूमना पड़ता था इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, इतना उनको वॉन्टेड था. इट इज़ इंट्रिगिंग, हाँ इंट्रिगुइंग to watch Evelyn functions to effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. जब वो इंटरव्यू दे रही थी तो उन्हें कहा, it is intriguing का मतलब दिया है वहाँ पर fascinating and curious. वो बहुत ही curiously वो सारे जवाब दे रही थी. 2 घंटे का डिस्कशन चल रहा था, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, मगर फिर भी वो बहुत एक्साइटेड थी हर सवाल का जवाब देने के लिए. अ मैन विद बुशी बियर्ड गेव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इज द होल फेस स्पेशली द आइस. अब क्या है, वो सुनाई नहीं देती, इवन मशीन लगाने के बाद में जब सामने वाला बात करता है तो लिप्स मूवमेंट जो होते हैं उसको देखते देखते कि ये बंदा एग्जैक्टली क्या बोल रहा है वो सुनकर फिर जवाब देना बहुत डिफ़िकल्ट था. और उनका इंटरव्यू एक बियर्ड दाढ़ी वाला इंसान दे रहा था, तो उसके जो होंठ के मूवमेंट्स समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मगर फिर भी उन्होंने कोशिश करके सारे सवालों के जवाब ठीक से दे दिए. शी स्पीक्स फॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट. वो फ्लुएंटली बोलते, थोड़ा थोड़ा एक्सेंट उसका स्कॉटिश आता है, जैसे साउथ इंडियन का हम लेते हैं मोस्ट प्रॉबेबली, तो जब वो बात करते हैं तो बीच में ही हमें उनका एक्सेंट समझ में आता है, तो बीच में हमें लगता है ओह माय गॉड ये साउथ इंडियन है, इंग्लिश बोल रहे हैं मगर ये साउथ इंडियन, उसका एक्सेंट समझ में आता है. वैसे इनका स्कॉटिश बोलती थी अच्छे फ्लुएंसली, अच्छा इंग्लिश भी फ्लुएंटली बोलते थे, बीच में स्कॉटिश का एक्सेंट आता था. जैसे अमेरिकन लोग बोलते माय गॉड
माय गॉड आई एम आफिद, ओ हाउ आर यू, एंड तो हमको समझ में आता है कि दिस इज नॉट एन इंडियन पर्सन, इसका अमेरिकन एक्सेंट आ रहा है. सो ये एक्सेंट उसका थोड़ा स्कॉटिश एक्सेंट उसके बातों में आया करता था. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. वो कहती मैं ठीक से बोल पा रही हूँ क्योंकि 11 साल तक मैं बोल सकती थी, इसीलिए मैं सुन भी सकती थी, इसलिए मेरा स्पीच क्लियर है. जो बच्चे बचपन से ही गूंगे हैं, सॉरी बहरे हैं, तो उनको बोलना नहीं आता क्योंकि वो सुन ही नहीं पाते, तो वो बोल नहीं पाते. मगर यहाँ क्या हुआ है, वो 11 साल तक बोल सकती थी, इसीलिए वो सुनने की शक्ति जाने के बाद भी, वो सुन नहीं पा रही थी उसके बाद भी वो अच्छे से क्लियरली बोल पाती थी. बट दैट डजन एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज. उसके बावजूद भी उसने अपनी लैंग्वेज तो वो बोलती थी, उसके साथ साथ उन्होंने फ्रेंच भी पढ़ा और जापनीज भी वो पढ़ रही थी. भाषा, अलग अलग भाषा, अलग अलग लैंग्वेजेस भी वो सीख रही थी. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. वेन शी प्लेज द ज़ाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू अ फिंगर टिप्स. वो कहती है कि कैसे वो म्यूजिक एक्सप्लेन करती है, जब म्यूजिक बजने लगता है तो वाइब्रेशन शुरू होते हैं उसके बॉडी से, उसके बॉडी से, उसके फिंगर से, उसके स्किन से, उसके हाथ बोन्स, उसके पूरे शरीर में वो वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, उसके फिंगर टिप से लेके उसके पूरे बॉडी में, और वो सारा म्यूजिक फील करती है और फिर वो और अच्छे से बजाना शुरू करती है. शी कैन फील द रेसोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, मीन्स वो इको साउंड उसका वो सुन सकती है, ड्रम ढम, तो आवाज़ उसके कान तक बुझती है. उन्होंने से कुछ टन आवाज़ मार दी, मंदिर की घंटी बजाई टन, तो उसका देखो वो वाइब्रेशन, तो वो जो हमारे कान में गूंजती है, तो वो हमारे कान में गूंजती है क्योंकि हम सुनाई देते, मगर अगर आप उसको घंटी को दबा के उस घंटे को हाथ लगाओ तो आपको पता चलेगा वो घंटी के जो म्यूज वाइब्रेशन होते हैं वो पूरे हमारे बॉडी में जाते हैं, हम फील करते हैं. इवन यस, जब हम लोग म्यूजिक कुछ प्ले कर रहे हैं, सपोज हम लोग कोई बहुत लाउड म्यूजिक प्ले किया या हमारे मोबाइल में म्यूजिक प्ले किया और मोबाइल के ऊपर हाथ रखो, वाइब्रेशन फील होते हैं. इस तरह से उसको वो इको और वाइब्रेशन फील होते होते थे और उस तरह से वो म्यूजिक सुनती थी. और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है, जब वो ड्रम्स लगाती थी या म्यूजिक प्ले करती थी तो पैरों में चप्पल नहीं पहनती थी, बेफुटेड नंगे पैर वो बैठ के, सो पैरों से हाथों से वो म्यूजिक पूरे बॉडी में वाइब्रेट होता था. इस तरह से वो म्यूजिक धीरे धीरे सीखी थी और धीरे धीरे वो म्यूजिक लोगों तक पहुँचाती थी. नॉट सरप्राइजिंगली एविलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. धीरे धीरे वो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ऑडियंस को हमेशा खुश कर दिया था. 1991 में उन्होंने सबसे बड़ा वर्ल्ड का अवार्ड जीता था और वो अवार्ड का नाम था रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर. सोलोइस्ट मीन्स अकेला इंसान जो अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट बजाता है, उसका उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था. से मास्टर पर्सवेनिस जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन अ ईयरिंग बट ही हैज़ गिवेन अ बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डनरी. उसके वो ज़्यादा दूसरे इंस्ट्रूमेंट सिखाने वाले जो उनके गुरु थे, उनके मास्टर थे जेम्स ब्लेड्स, वो कहते कि भगवान ने चाहे उनकी सुनने की शक्ति तो ले ली थी मगर उनको कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा शक्ति भी दी गई थी. वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो ऐसा वो महसूस करती. फॉर मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, हमसे भी ज़्यादा गहराई तक वो फील करती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुल, इसलिए वो म्यूजिक इतना अच्छे से प्ले कर सकती है, वो म्यूजिक इतना अच्छे से बजा के हम तक पहुँचा सकती है. एविलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक. वो कहती है, कन्फेस का मतलब है वो सीधा कहती है कि मैं वर्कहॉलिक हूँ, मुझे काम करना पसंद है, मुझे एक जगह पर बिना काम किए बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉमरस. बोलती है मुझे बहुत
क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, और वो ये भी कहती कि मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले, नो डाउट। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एविलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो सब जगह पे काम तो करती है, कॉन्सर्ट में जाती है, ऑर्केस्ट्रा रहता है, मगर वो सोशल वर्क भी करती है। वो जेल में जाती है, कैदियों से मिलती है, हॉस्पिटल्स में जाती है, गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्सर्ट करती है। शी ऑल्सो गिव्स अ प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो यंग म्यूजिशियन जो डिसेबल्ड है उनके जैसे, उनके लिए भी उन्होंने क्लासेस खोले हुए। एनी रिचल ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। उन्होंने बहरे गूंगे लोगों के लिए एक फाउंडेशन बनाया, वहाँ पर वो जो भी कुछ पैसा वहाँ कंट्रीब्यूट करती है और उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी एवेलिन लेती है। एवेलिन ग्लेनी हैड ऑलरेडी एकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। शी हैव ब्रॉट पर्सुएशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। She has given inspiration to those who were handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. Evelyn Glennie, जो है ये लड़की छोटी सी उम्र में इतना काम किया, जो उसके डबल उम्र के लोगों ने भी इतना कुछ अचीव नहीं किया होगा, उतना इस लड़की ने 30 साल की उम्र में किया था। बहुत कुछ अचीव उसने किया था, और उसके साथ साथ उन्होंने सबके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया था कि वो डिसेबल होने के बावजूद वो सबसे एवन और फेमस म्यूजिशियन वर्ल्ड की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो है उन्होंने अपने लिए नहीं, उस वो हैंडीकैप वो इंस्पिरेशन बनी है। उसको देखे कोई भी कहता है कि अगर एवेलिन कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। एंड नॉट द लीस्ट, उसने मिलियन लोगों को खुशी दी। जब भी वो स्टेज पर आकर म्यूजिक प्ले करने लगती है तो लोग बहुत खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते हैं कि दिस इज यस दिस इज व्हाट, एंड खुश होके हैप्पी होके वो अपना ऑडिटोरियम छोड़ के चले जाते थे। तो ऐसी ये स्टोरी है इस लड़के की, जिसका नाम था एवेलिन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। दिस लेसन वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड इंस्पिरेशन। साउंड ऑफ द म्यूजिक पार्ट टू आई विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट, सो टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स यू कैन ऑलवेज कॉल मी एंड आस्क मी। ओके बाय।